अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फैक्टराइजेशन के अहम तरीन हिस्से तीसरे हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी ब्रोकन डाउन इनटू टू पार्ट्स। कि जो थर्ड फैक्टराइजेशन मेथड है इसको हम दो हिस्सों में आपके साथ लेक्चर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अच्छा जी, आज का जो पहला लेक्चर है ये मेथड हमारा है, इट्स कॉल्ड मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, अच्छा जी, इस मेथड के लिए हमें जो मिडिल की जो टर्म होगी उसको ब्रेक करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास तीन टर्म्स होंगी, जिसका मिडिल होगा सेकंड टर्म, उसे हमें ब्रेक करना होगा। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे ब्रेक करना होगा, क्या ख्याल रखना होगा, क्या चीज़ें, ये सारा मेथड तफसील एक मेथड है, इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आई होप यू आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड वेरी क्लियर। अच्छा जी, सबसे पहली बात कि आपके सामने एक एक्सप्रेशन आया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सबसे पहला काम जो आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए शुरू करना है वो ये कि आपका एक्सप्रेशन एक ऑर्डर में होना ज़रूरी है। अच्छा, क्या मतलब, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर होगा या वो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। कोई एक ऑर्डर होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स, ये दो ज़रूरी काम आपको करने हैं। पहला काम एक्सप्रेशन को अरेंज करना है, दूसरा काम पहली और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये काम आप लाजमी करेंगे, उसके बाद ही आप फैक्टराइजेशन यानी मिडिल टर्म ब्रेकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। आइए देखते हैं काम किस तरह से हो सकता है। अच्छी, अब मैं एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, इसी पर ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। पहले तो हम देखेंगे क्या हमारा ये एक्सप्रेशन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। इसे चेक करने का तरीका क्या है, आइए देखते हैं। जब भी हम बात करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर्स को नोटिस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 0 है, और यहाँ पर एक्स की पावर है ही नहीं, यानी एक्स की पावर 0 हो गई, यानी हमें यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर नज़र आ रहा है। लिहाजा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेशन हमारा ऑलरेडी अरेंज्ड है। पहला काम हो गया। दूसरा काम, अब आपने फर्स्ट कोफिशिएंट को लास्ट नंबर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप गौर करें तो पहला कोफिशिएंट हमारा है 1, दूसरा कोफिशिएंट है 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, ध्यान रहे कि यहाँ पर भी प्लस 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस 2 लिखा हुआ है। तो अगर मैं प्लस 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस 2 के साथ, तो रिज़ल्ट मेरा आता है प्लस 2। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, तवज्जो दीजिएगा। अब मुझे करना है, चूंकि मिडिल टर्म ब्रेकिंग है, ये जो मिडिल टर्म है 3x, इसको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, इस तरह से ब्रेक करना है, दो हिस्से बनाने हैं कि जब मैं उन नंबर्स को ऐड करूं तो 2 आ जाए, और जब उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो 3 दोबारा आ जाए। दो ऐसे नंबर सोचने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 2 आ जाए, और जब उनको ऐड करूं तो 3 आ जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे, अब तो देखिएगा, ये मेरे पास 2 आया है, मुझे दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करूं तो रिज़ल्ट। जी स्टूडेंट्स, तो हमने डिसाइड करा कि हमें 2 नंबर रिक्वायर है आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2 नंबर्स। तो हमने जहन में आया कि अगर 2 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 आ सकता है, और इसके अलावा कोई और तरीका है भी नहीं। अब ये सोचिए कि क्या अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं
तो क्या आंसर थ्री आएगा? यस बिल्कुल थ्री भी आ रहा है। लिहाजा हमारी जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग बनेगी वो कुछ यू बन जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस टू। अब आप नोट कीजिए, थ्री एक्स को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, एक टू एक्स और एक एक्स। यहाँ टू दिख रहा है, यहाँ वन दिख रहा है, और चूंकि मुझे ऐड करना है लिहाजा दोनों के साइन सेम होने चाहिए। इस तरह मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया। नाउ अब मेरा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आइए देखते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इन दो फर्स्ट टर्म्स में से एक्स स्क्वायर और टू एक्स में से मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है। यस यू आर राइट, एक्स इज कॉमन हेयर। ये लीजिए, हमने एक्स कॉमन निकाला तो ये बन गया एक्स प्लस टू। अब इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन है? वैसे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, नथिंग इज कॉमन। यू आर राइट, बिल्कुल कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे कहूँ कि वन इज कॉमन, देन यू आर से यस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वन इज कॉमन है, वन तो हर जगह कॉमन निकल सकता है। तो लिहाजा हमने इसमें से वन कॉमन लिया। ऐसा करने से क्या हुआ, हमारे पास दूसरा ब्रैकेट जो बच रहा है वो है एक्स प्लस टू। नाउ अब अगर आपके ये दो ब्रैकेट्स आइडेंटिकल आ रहे हैं, मीन्स यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, योर फैक्टराइजेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑन द प्रोसेस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट अगर ये आइडेंटिकल नहीं हैं सर जी, फिर तो गड़बड़ है। यानी कोई फैक्टराइजेशन में कहीं प्लस माइनस में कोई गड़बड़ कर दी है आपने, इसीलिए द टू ब्रैकेट्स आर नॉट आइडेंटिकल। राइट नाउ वी हैव आइडेंटिकल ब्रैकेट, इट मीन्स वी आर डूइंग एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ अब अगला स्टेप क्या है हमारा? अगला स्टेप ये है, आई टेक एक्स प्लस टू एज कॉमन। ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस टू को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। तो ये लीजिए, एक्स प्लस टू कॉमन आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, एक्स प्लस टू जब यहाँ से चला जाएगा तो सिर्फ एक्स बचेगा, एक्स प्लस टू यहाँ से चला जाएगा तो प्लस वन बचेगा। अब आप देख सकते हैं द टू ब्रैकेट्स आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर, दिस इज कॉल्ड योर फैक्टराइजेशन ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। आपने एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू को फैक्टराइज कर दिया और प्रोडक्ट की फॉर्म में ले आए। फिर घूम फिर के सवाल आएगा कि अगर मैं अपने जवाब को कंफर्म करना चाहूँ कि एम आई करेक्ट और नॉट, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? अगर मैं इन दो ब्रैकेट्स को ओपन कर दूं तो यही ओरिजिनल एक्सप्रेशन आना चाहिए। अगर आ गया तो वेल डन, नहीं आया इट मींस यू आर रॉन्ग। आइए देखते हैं इन ब्रैकेट्स को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे। ये काम हर दफ़ा नहीं करना है, अभी हम आपकी तसल्ली के लिए कर रहे हैं, आप हर दफ़ा ये काम नहीं करेंगे। इस एक्स को पहले हम इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला काम। दूसरा काम, ये जो प्लस टू दिख रहा है इसको हम पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। नाउ ये एक्स इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें बनता है एक्स स्क्वायर, एक्स को मल्टीप्लाई करें वन से बनता है एक्स, टू को एक्स से मल्टीप्लाई करें बनता है टू एक्स, टू को मल्टीप्लाई करें वन से तो बनता है टू। नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर। गौर से देखें, टू एक्स और एक्स दोनों के साइन सेम हैं, पावर बिल्कुल सेम है, लिहाजा कोफिशेंट्स ऐड हो जाएंगे, दिस बिकम्स थ्री एक्स प्लस टू। आप देख सकते हैं आपका ओरिजिनल एक्सप्रेशन वापस आ रहा है, इट मीन्स यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस इज द वे टू वेरीफाई योर मिडिल टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन। सो नोट कर लीजिए ताकि फिर हम एक और एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करें इसी हवाले से। तो आज का हमारा जो पहला लेक्चर है इसमें हम प्रैक्टिस नहीं बल्कि बहुत तफसील से मेथड को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कब क्या कैसे काम करना है। अच्छा जी, आइए एग्जांपल नंबर टू की तरफ चलते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। जी, अब वो सारे प्रोसेस दोहराता हूँ एक दफ़ा मैं। फिर जब भी आपके पास फैक्टराइजेशन के लिए आएगा तो सबसे पहले काम ये देखिए कि क्या आपका एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द पावर अरेंज्ड है या नहीं। ईदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, बोथ आर एक्सेप्टेबल। ठीक है जी, आगे देखते हैं। हमें दिख रही है पावर 2, फिर आई पावर 1 और फिर आ गई पावर 0। लिहाजा यस, आवर एक्सप्रेशन इज ऑलरेडी अरेंज्ड। नाउ अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म के कोफिशेंट को लास्ट टर्म के कोफिशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म का कोफिशेंट लिखा हुआ है प्लस 1, लास्ट टर्म का कोफिशेंट लिखा है प्लस 10। देयरफॉर इनका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है प्लस 10। अगेन वही थिंकिंग, दो नंबर ऐसे सोचें जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और ऐड करके 7 आना चाहिए। अच्छा भाई देखिए सरकार, अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई कर दूं 1 से तो तब भी 10 आंसर आएगा। यस, और इसी तरीके से 5 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तब भी 10 आंसर आएगा। बहुत आर करेक्ट, लेकिन लेकिन हमें ऐड करके 7 आंसर भी चाहिए। अगर मैं 10 और 1 को ऐड करता हूं तो आंसर आएगा 11, 5 और 2 को ऐड करूंगा तो आंसर आएगा 7। इट मींस दिस इज एक्सेप्टेबल हेयर। चलो ये कैसे अप्लाई होगा आइए देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अच्छा अब यहाँ पर एक सवाल शायद किसी बच्चे के जहन में ब्लिंक कर रहा हो, तो वो सवाल मेरे जहन में तो ब्लिंक कर रहा है, मुझे लगता है कि वो सवाल किसने किसी के जहन में होगा। सवाल ये आता है कि जी आप कह रहे हैं कि इन दोनों को ऐड करना है 5 और 2 को, बिल्कुल सही है। तो आपके जहन में ये कैसे आ रहा है कि यहाँ दोनों प्लस के बजाय आप दोनों माइनस क्यों नहीं लिख देते, ये इस तरह से भी तो ऐड हो सकता है। बिल्कुल 100% करेक्ट, जिसके भी जहन में सवाल आ रहा है बिल्कुल करेक्ट सवाल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये दोनों साइन माइनस भी तो हो सकते हैं, ये दोनों साइन प्लस अगर आप लिख रहे हैं तो ये दोनों साइन माइनस भी हो सकते हैं, तब भी ये ऐड होगा। देन व्हाई यू आर यूजिंग द प्लस साइन, बहुत सिंपल सा जवाब है। जाइए ज़रा देखिए अपनी मिडिल टर्म को देखिए, क्या मिडिल टर्म के साथ प्लस साइन नज़र आ रहा है। यस, लिहाजा इन दोनों के साथ भी प्लस साइन आएगा, इसीलिए हमने दोनों के साथ प्लस साइन लगाया था। नाउ अब देखिए इन पहली दो टर्म्स में से कॉमन क्या निकल सकता है। जी मेरे अंदाजे के मुताबिक शायद आप लोग भी सोच रहे हैं कि यस वी कैन हैव एक्स एस कॉमन हेयर, बिल्कुल सही सोचा आप। नाउ अब इन दोनों टर्म्स में देखें, इन दोनों टर्म्स में जो हमें कॉमन दिख रहा है वो है 2। अब 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स प्लस 5, और आप देख सकते हैं कि आपकी दो ब्रैकेट्स आइडेंटिकल आ रहे हैं, और इनके आइडेंटिकल आने का मतलब ये कंफर्म हो गया कि यस योर फैक्टराइजेशन इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर ये दो ब्रैकेट आइडेंटिकल नहीं आते हैं इसका मतलब ये हुआ कि आपकी फैक्टराइजेशन करेक्ट नहीं है। अब x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, उसे कॉमन निकाल लीजिए तो अंदर क्या बचेगा आप देख सकते हैं, यह है x, यह है x प्लस 5। एक्स प्लस 5 तो बाहर चला गया, बचा x 2 और x प्लस 5, x प्लस 5 बाहर चला गया लिहाजा 2 बच गया। यस कंग्रेचुलेशंस, यू गॉट द करेक्ट फैक्टराइज्ड रिजल्ट। ये आ गई आपके पास फैक्टराइजेशन ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा इसी रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। मैं अभी नहीं दिखा रहा आपको, अगर कंफ्यूजन हो डाउट हो तो यू कैन मल्टीप्लाई द टू ब्रैकेट्स, एंड आई टोल्ड यू कि किस तरह से दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। आइए जी तीसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं अपनी।
जी भैया। और तीसरी एग्जांपल हमारे पास कुछ यूं है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अच्छा जी, फैक्टराइजेशन शुरू करने से पहले ज़रूरी तरीन काम, क्या हमारा एक्सप्रेशन ऑर्डर में है या नहीं? यस, आवर एक्सप्रेशन इज़ इन कम्प्लीट ऑर्डर, पावर 2, पावर 1, पावर 0, यस इन कम्प्लीट ऑर्डर। नाउ अब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, लीजिए कर लिया सरकार। इसका पहले वाले का कोफिशेंट है प्लस 1, दूसरे वाले का कोफिशेंट है प्लस 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट बनता है प्लस 15। आप सोच रहे हैं कि 15 किस किस तरीके से हमें मिल सकता है? 15 वन दा 15 भी पॉसिबल है, यस। इसी तरह 5 थ्री दा 15 भी पॉसिबल है। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है 15 हासिल करने का। नाउ अब क्वेश्चन ये कि हमें कौन सा यूज़ करना होगा। याद रहे हमें ऐड करना है, 15 और 1 को ऐड करते हैं 16 बनेगा, 5 और 3 को ऐड करेंगे 8 बनेगा। लिहाजा हमारा सेकंड ऑप्शन इज पॉसिबल है। नाउ मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, तो हमने मिडिल टर्म ब्रेक किया, एक टर्म हो गई 5x, दूसरी हो गई 3x। अब मेरा जो सवाल पिछले क्वेश्चन में था वही सवाल दोबारा मैं रेज कर रहा हूँ कि इन दोनों को मुझे ऐड करना है तब जाकर 8 मिलेगा। तो क्या दोनों के साइन प्लस होंगे या दोनों के साइन माइनस होंगे? ये बात तो तय है कि दोनों के साइन सेम होने चाहिए क्योंकि ऐड करवाना है। तो क्या दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे? तो लेट्स विजिट द मिडिल टर्म। द मिडिल टर्म सेज यस इट हैज़ अ नेगेटिव साइन, इट मीन्स आपने दोनों के साथ माइनस साइन लगाना होगा। अगर मिडिल टर्म पॉजिटिव होगी तो ये दो टर्म्स भी पॉजिटिव हो जाएंगी। अच्छा जी, आइए कॉमन देखते हैं। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा जी x माइनस 5। दूसरी टर्म में आप देखें कॉमन निकल रहा है 3, हमने कॉमन निकाला माइनस 3, प्लस 3 कॉमन निकाला, थ्री हमने कॉमन निकाल लिया। जब हम 3 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, आइए देखते हैं। ये बचेगा माइनस एक्स प्लस 5। अच्छा जी, ये क्या भाई कहानी, गौर से देखें, द टू ब्रैकेट्स आर नॉट आइडेंटिकल। आहा, प्रॉब्लम आ गया, द टू ब्रैकेट्स आर नॉट आइडेंटिकल, देर इज अ डिस्क्रिपेंसी ऑफ द साइन, there is a discrepancy of the sign। इस discrepancy को कैसे ख़त्म किया जाए, आइए देखते हैं। Look at the second expression। हमें पता है कि इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, तो इस मकसद के लिए हम यहाँ से माइनस वन कॉमन निकालेंगे। वन तो देखें कहीं से भी कॉमन आ सकता है, माइनस वन का क्या फ़ायदा? माइनस वन कॉमन निकालने का फ़ायदा ये है कि जो जो साइन अंदर लिखे हुए हैं वो सब के सब साइन उलट जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मतलब माइनस वाला कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में और प्लस वाला कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। दिस इज़ हैपन व्हेन वी टेक माइनस साइन कॉमन, द साइंस आर गोइंग टू बी रिवर्स। हाँ जी, आप देख सकते हैं द टू ब्रैकेट्स आर आइडेंटिकल, दिस इज़ व्हाट वी वांट। करेक्शन तभी होगी, करेक्ट तभी होगी मिडिल टर्म ब्रेकिंग व्हेन द टू ब्रैकेट्स आर आइडेंटिकल। सो द फाइनल आंसर विल बी एक्स माइनस 5 एंड एक्स माइनस 3। दिस इज योर फैक्टराइज्ड रिजल्ट ऑफ एग्जांपल 3। तो चलो बस यहाँ अपना लेक्चर एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद कुछ मिडिल टर्म ब्रेकिंग के मसाइल के साथ हाज़िर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।